एक महिला जिसका 4 महीने पहले पति मर जाता है और फिर उसके बाद वह अपनी हवस को मिटाने के लिए 2 लड़कों के साथ अपने घर में संबंध बना रही होती है, तभी अचानक कुछ ऐसा घटता है कि उस महिला की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है पंजाब के बलदेव नगर की। पंजाब के बलदेव नगर में एक सुष्मिता कौर नाम की एक औरत रहा करती थी जिसकी उम्र थी 32 साल। आज से 4 साल पहले उसकी शादी हो जाती है उसी के पड़ोस में और उसके पति का नाम होता है प्रदीप। दोस्तों, पड़ोस में ही उसका ससुराल होता है, पड़ोस में ही उसका मायका होता है, यानी कि पड़ोस में उसकी शादी हो जाती है प्रदीप नाम के एक लड़के के साथ। अब वह अपने ससुराल में रहने लगती है, अच्छे से रहा करती है, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद जो उसका पति होता है प्रदीप, उसको सुष्मिता के ऊपर शक होने लगता है। वह सोचने लगता है कि यह मेरी पत्नी, यह बदचलन है, गैरचलन है। दोस्तों, इस बात के बारे में प्रदीप अपने घर वालों को भी बताता है, लेकिन प्रदीप के घर वाले उल्टा प्रदीप को ही डांट फटकार देते हैं कि तू ऐसी बात क्यों करता है, ये हमारी बहू है, इसके बारे में ऐसी बात मत किया कर। तो दोस्तों, प्रदीप चुप हो जाता है, लेकिन प्रदीप को पूरा शक था और उसने कई बार उसको शायद देखा भी था, इसीलिए वह घर वालों से कहता था और उसकी और सुष्मिता की अब रोज रोज घर के अंदर लड़ाई होने लगती है। तभी दोस्तों, आज से 4 महीने पहले प्रदीप बीमार होता है और बीमारी के कारण उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद दोस्तों उसकी मौत हो जाती है और फिर डॉक्टर बताते हैं कि प्रदीप की मौत हार्ट अटैक पड़ने से हुई है। दोस्तों, उसकी डेड बॉडी को घर लाया जाता है और उसके घर वालों को अब यकीन हो जाता है कि प्रदीप जो कहता था वो सही कहता था, कुछ ना कुछ गड़बड़ी सुष्मिता के अंदर ही है और सुष्मिता ने ही हमारे इस बेटे को मारा है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जिससे कि मेरे बेटे को हार्ट अटैक हुआ है। घर वाले सुष्मिता को गाली गलौज करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों बात शांत हो जाती है। अब सुष्मिता अपने घर में चली जाती है, एक गली छोड़ करके उसका घर था यानी कि मायका था, वहाँ पर रहने लगती है। दोस्तों, सुष्मिता का एक जेठ भी था यानी कि प्रदीप का बड़ा भाई जिसका नाम था कमल। दोस्तों, कुछ समय के बाद सुष्मिता के जेठ कमल को सुष्मिता के अवैध संबंधों के बारे में पता लग जाता है, क्योंकि उस गाँव के अंदर सुष्मिता की बहुत ज़ोरों पर बदनामी हो रही थी। इस बात को उसका जेठ सहन नहीं कर पाता है जो कमल होता है, और वह सुष्मिता के घर चला जाता है, वहीं एक गली छोड़ करके सुष्मिता से कहने लगता है तू ऐसा काम क्यों कर रही है जिससे कि हमारे घर की बदनामी हो रही है और लोग तुम्हें भी गालियां देते हैं, और फिर उसके बाद ये भी कहता है कि तुम दूसरों के साथ अवैध संबंध क्यों रखती हो, ऐसा काम मत करो, हमारी भी बदनामी हो रही है, तुम्हारे घर वालों की भी बदनामी हो रही है और खुद तुम्हारी भी बदनामी हो रही है। लेकिन सुष्मिता उस पर झिल्ला कर पड़ती है और कहती है क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं बदचलन हूँ, मैं दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाती हूँ। दोस्तों, यह बात सुनकर वहाँ से उसका जो जेठ होता है कमल, वह वापस आ जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसको पता लग जाता है कि सुष्मिता अपने घर के अंदर 2 लड़कों के साथ संबंध बना रही है। वह गली को कूद करके जाता है और वह दरवाजे को नहीं खटखटाता है, वह घर के अंदर दीवार को कूद करके चुपके से घुस जाता है और जाकर देखता है कि उसकी छोटे भाई की पत्नी सुष्मिता 2 लड़कों के साथ संबंध बना रही थी एक कमरे के अंदर। दोस्तों, यह देखकर जो कमल होता है वह गुस्से से लाल हो जाता है और फिर वह उन दोनों लड़कों में पिटाई लगाने लगता है। वो दोनों लड़के जैसे तैसे उससे छूट करके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद वह सुष्मिता को गाली देने लगता है। अब सुष्मिता उसके पैर पकड़ने लगती है कि जेठ जी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। तो दोस्तों, उसके बाद जो कमल होता है वह उसको छोड़ करके वहाँ से अपने घर आ जाता है, लेकिन कलेजे के अंदर, दिल के अंदर एक ज्वाला सी धधक रही थी और उसके अंदर विचार ये चल रहे थे कि आखिर इसने ऐसा क्यों सोचा, जो हमारी बदनामी हो रही है चारों तरफ, ये आखिर कैसी औरत है। दोस्तों, अब वह अपने मन ही मन उससे बदला लेने की सोचने लगता है और मौके की तलाश में जुट जाता है। अब एक दिन उसके पास जब वह खेतों में पानी लगा रहा होता है तो सुष्मिता का उसके पास फोन आता है और कहती है सुष्मिता कि जेठ जी मुझे कुछ थोड़े से पैसे चाहिए। अब जो कमल होता है उसको मौका मिल जाता है और वह कहता है सुष्मिता से कि तू खेतों पर ही आ जा, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें यहीं पर पैसे दे दूंगा। सुष्मिता खुश होकर और अपने भाई को बताकर कि मैं जेठ जी से पैसे लेने के लिए जा रही हूँ, वह जेठ के पास पहुँच जाती है खेतों पर। दोस्तों, जेठ तो अंदर से जला हुआ था, जेठ गुस्से में आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और तब तक दबाता रहता जब तक वह तड़प तड़प कर मर नहीं जाती है। जैसे सुष्मिता मर जाती है तो उसकी डेड बॉडी को घसीटकर भूसे के अंदर डालकर उसका जेठ कमल उस भूसे में आग लगा देता है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों, डेड बॉडी ऐसे ही नहीं जलती है, वो फिर भी अधजली रह जाती है। फिर उस डेड बॉडी को वह घसीटकर वह एक गटर में डाल देता है।
और गटर में डालने के बाद वह अपने घर आ जाता है। दोस्तों, सुष्मिता के घर वाले सुष्मिता की खोजबीन शुरू कर देते हैं और पुलिस के पास खबर की जाती है। पुलिस आती है, पुलिस को सुष्मिता का भाई बताता है कि मेरी बहन अपने जेठ से मिलने के लिए खेतों पर गई हुई थी। बस पुलिस को तो इतना सा क्लू चाहिए। फिर उसके बाद पुलिस उसके जेठ कमल को उठा ले सख्ती से पूछताछ करती है। कमल थोड़ी देर में टूट जाता है और बताने लगता है कि हाँ, मैंने ही उसका कत्ल किया है, क्योंकि उसने हमारी नाक कटवा रखी थी। वो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही थी, वो ऐसा काम कर रही थी जिससे हमारा सर उठाकर चलना समाज के अंदर भारी पड़ रहा था। मैंने उसको मारा है और मुझे कोई अफसोस नहीं है, और मुझे अब यकीन भी आ गया कि इसी की वजह से मेरे भाई की मौत हुई है। तो दोस्तों, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आप किसकी गलती कहोगे? क्या उसके जेठ की गलती बताओगे आप, कमल की, या फिर सुष्मिता की गलती है, या फिर सुष्मिता के पति की गलती है, या फिर सुष्मिता के घर वालों की गलती है? किसकी गलती आपको यहाँ पर लगती है? जो यह कांड हुआ, कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक औरत की अय्याशी के कारण घर के अंदर दो लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई और एक खुद उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और दोनों परिवारों के माथे पर कलंक लग गया जिंदगी भर के लिए। तो आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लोगों के साथ अपने विचार शेयर ज़रूर किया करें। मैं आपकी सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, जब भी मुझ पर फुर्सत मिल जाती है पढ़ता ज़रूर हूँ मैं आप लोगों के विचारों को, तो आप कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। कभी भी रिश्तों के अंदर दरार पैदा ना होने दें, अपने विश्वास को रिश्तों के अंदर से टूटने ना दें। परिवार तब तक चलता है जब तक हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, और जिस दिन हम लोगों के विश्वास को तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं उस दिन वो परिवार बिखर जाता है, क्योंकि परिवार कहा ही उसे जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है। उसी कम्युनिटी को, उसी यूनिटी को परिवार कहा जाता है। माँ को बाप का, भाई को बहन का, पति को पत्नी का विश्वास होता है, ऐसे समूह को हम परिवार कहते हैं। लेकिन कुछ लोग परिवार के माथे पर कलंक बन जाते हैं, क्योंकि उनको परिवार की बंदिशें अच्छी नहीं लगती हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।